हम ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर ऑलरेडी वॉलेंटरी मसल के बारे में पढ़ चुके हैं और स्केलेटल मसल भी इसे बोलते हैं। स्केलेटल मसल जो आपके ब्रेन के सिग्नल से एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि बाइसेप को अगर आप फ्लेक्स करते हैं तो वो ब्रेन के एक्टिवेशन से या सिग्नल से होता है। तो ऐसे वॉलेंटरी मसल के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आज चर्चा करेंगे और टॉपिक का नाम है मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के तीन टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा टाइप है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और तीसरा टाइप है आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। अगर पहले आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो जब भी आपका कोई मसल का कॉन्ट्रैक्शन एक स्टेबल स्थिति के अंदर, एक स्टेबल पोजीशन के अंदर होता है, या तो बढ़ती है या तो घटती है, मतलब मसल लंबा होता है, लेंथन होता है या शॉर्टन होता है, इसे बोलते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। लेट मी गिव यू एग्जांपल। जब भी आप बाइसेप को फ्लैक्स करते हैं तो ऐसे टाइम के अंदर आपके मसल की साइज घटती है, शॉर्ट होती है, तो इस कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रेशन। अब इसी बाइसेप को आप नीचे ले जाते हैं, एक्सटेंड करते हैं आपके एल्बो को, ऐसे टाइम के अंदर आपके बाइसेप मसल की साइज बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, तो इसे बोलते हैं इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रेशन। तो आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन के दो टाइप है, कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रेशन एंड इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रिक मतलब आपकी साइज को घटाना है मसल की, और इसेंट्रिक मतलब आपकी साइज को बढ़ाना मसल की। सेकंड है आइसोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन। आइसोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को कैरी करते हैं तो ऐसे टाइम के अंदर आपकी मसल की साइज चेंज नहीं होती, लेकिन मसल पर रेजिस्टेंस और लोडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस प्लेट को हम इस तरह से पकड़ के रखते हैं तो आपके मसल की साइज ना तो घट रही है ना तो बढ़ रही है, मतलब मसल की ना तो लेंथ बढ़ रही है ना तो वो शॉर्ट हो रहा है। तो ऐसे टाइम के अंदर आपके मसल में रेजिस्टेंस और लोडिंग तो फिर भी है, तो इस कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन। अब नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन है आइसोकाइनेटिक कॉन्सेंट्रेशन। जब भी आपके मसल की साइज लंबी या बड़ी, मतलब शॉर्टन और लेंथन होती है विद रिगार्ड्स टू मूवमेंट्स, मतलब मूवमेंट के साथ जब आप आगे बढ़ रहे, साइड में जा रहे, कहीं पर भी आप मूवमेंट कर रहे कोई डायरेक्शन के साथ, तो उसे बोलते हैं आइसोकाइनेटिक कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, बाइसेप कल के अंदर हमने आइसोटोनिक में एग्जाम्पल देखा था एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, लेकिन हमारी एल्बो स्टेबल थी, पोजिशन स्टेबल थी। अब जब एक स्विमर स्विमिंग करता है तो वो भी शोल्डर का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करता है, लेकिन वो मोमेंट ले रहा है कोई एक डायरेक्शन के अंदर, तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं आइसोकाइनेटिक कॉन्सेंट्रेशन।